स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने के लिए वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कर्ण ऋषि का आश्रम था। कर्ण ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम जा पहुँचे। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कर्ण ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहां पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कर्ण ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कर्ण ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले तुम क्षत्रिय कन्या हो, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने तत्क्षण गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे मुझे अब अपना राज कार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कर्णों के तीर्थ यात्रा पर लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कराकर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और वह हस्तिनापुर चले गए। दोस्तों एक दिन कर्ण ऋषि के आश्रम में महर्षि दुर्वासा पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण देवी शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला के क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उसे तेरी स्मृति हो आएगी। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कर्ण ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस प्रकार महर्षि कर्णों ने पुत्री विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है ऐसा कहा। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही कहीं गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कर्ण ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराजा तो दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण शकुंतला को विस्मृत अर्थात भूल चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोड़ों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट में एक अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो आया।
आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता कहीं नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को ना छुएं, अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा साफ बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को ना रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला धागा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा तो वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो दोस्तों, यह थी कथा राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।